एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब प्लेस्टेशन के टाइटल एक्चुअल में प्लेस्टेशन के एक्सक्लूसिव हुआ करते थे। उस टाइम जो प्लेस्टेशन का टाइटल था, अगर आप अपने पीसी में खेलना चाहते हो तो उसके लिए किसी एम्युलेटर को यूज करना पड़ता और उस एम्युलेटर की परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी हुआ करती थी। ऐसे में यार कुछ लोग डिसाइड कर लेते कि चलो प्लेस्टेशन ही खरीद लेते हैं बिकॉज उनके फेवरेट टाइटल प्लेस्टेशन पर ही अवेलेबल हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ टाइटल पीसी के लिए रिलीज हुए हैं और कुछ टाइटल इन फ्यूचर रिलीज होने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन तो उठ ही जाता है कि भाई पहले क्यों नहीं प्लेस्टेशन के टाइटल पीसी पर रिलीज हुए और क्या इन फ्यूचर पीसी पर और भी टाइटल रिलीज होते रहेंगे। हमने इस टॉपिक के बारे में पहले भी बात करी है कि कंसोल कुछ टाइम के लिए लॉस पे बिकता है और सोनी को ज्यादा मुनाफा उसके एक्सक्लूसिव टाइटल से होता है, वो टाइटल जो सोनी के फर्स्ट पार्टी टाइटल है। सो फर्स्ट पार्टी टाइटल सोनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से फर्स्ट पार्टी टाइटल सोनी एक्सक्लूसिव थे। लेकिन हाल ही में ऐसा क्या चेंज हुआ कि जिसकी वजह से सोनी ने पीसी पर अपने टाइटल रिलीज करने के बारे में सोचा और आने वाले टाइम में हमें कितने ज्यादा टाइटल पीसी पर देखने को मिलेंगे। प्लेस्टेशन की कम्युनिटी ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और प्लेस्टेशन टाइटल खेलने के लिए आपको प्लेस्टेशन ही खरीदना पड़ता था। लेकिन टाइम के साथ पीसी गेमिंग कम्युनिटी काफी ज्यादा ग्रो होती रही, पीसी गेम्स में रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होता रहा और ये चीज सोनी को भी धीरे धीरे समझ आने लगी। काफी लोग अभी अपने पीसी पर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू प्लेस्टेशन और सोनी को भी ये चीज दिखाई देती है कि हाँ बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है जहाँ पर लोग गेम्स के ऊपर ज्यादा स्पेंड करते हैं एज कम्पेयर टू प्लेस्टेशन गेम। और इसी वजह से लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, पीसी गेम्स को अट्रैक्ट करने के लिए सोनी ने ये डिसाइड किया कि पीसी पर हम अपने कुछ टाइटल रिलीज करते हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो ही गई है कि पीसी पर और एक्सक्लूसिव टाइटल आने वाले हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी बैड न्यूज भी है। ऑब्वियसली कोई भी मार्केटिंग ऐसे नहीं काम करती है। अगर वो सारे टाइटल वो आपको पीसी पर ही दे देंगे तो प्लेस्टेशन खरीदेगा कौन, ये तो उल्टा वो अपना नुकसान करने लगे हैं। बट ऐसा नहीं है। रिसेंटली प्लेस्टेशन के ब्लॉग पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जो कि बेसिकली एक Q&A था प्लेस्टेशन स्टूडियोज के हेड के साथ। उनसे जब पीसी के बारे में पूछा गया कि प्लेस्टेशन स्टूडियोज की नजर में पीसी कहां पर स्टैंड करता है, तो इस चीज का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो होराइजन जीरो डॉन की सक्सेस है ऑन पीसी, उनसे उन्होंने एक एस्टिमेशन तो लगा ही लिया है कि काफी ज्यादा प्लेयर हैं प्लेस्टेशन के इकोसिस्टम से बाहर जो प्लेस्टेशन के टाइटल में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी भी वो पीसी के ऊपर एक अर्ली स्टेज में है। वो एक राइट टाइम ढूंढ रहे हैं कोई भी एक्सक्लूसिव टाइटल पीसी के ऊपर रिलीज करने का। अभी हाल ही में पीसी पर जो डेज गॉन रिलीज हुई है वो पीएस की लॉन्च के 2 साल बाद रिलीज हुई है और इन फ्यूचर भी और टाइटल आ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव टाइटल ऑन लॉन्च खेलना चाहते हो तो आपको उसके लिए प्लेस्टेशन ही खरीदना पड़ेगा। मतलब जितने भी प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव टाइटल होंगे वो ऑन लॉन्च पीसी पर रिलीज नहीं होने वाले। सो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि नए टाइटल तो भाई पीसी पर रिलीज होने नहीं वाले, उसके लिए तो आपको प्लेस्टेशन ही खरीदना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑन लॉन्च ही पीसी पर टाइटल रिलीज होने लग गए तो उससे प्लेस्टेशन को और भी ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने इस चीज पर ज्यादा जोर दिया है कि अगर आप प्लेस्टेशन के एक्सक्लूसिव टाइटल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो उसके लिए प्लेस्टेशन ही एक सही जगह है। खैर आने वाले टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन इस चीज से एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई पीसी कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है आज के टाइम में। चाहे पीसी एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन फिर भी लोग पीसी ही प्रेफर करते हैं। खैर आप लोगों का इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या सोचना है मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट। We'll be right back.